सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को मालती देवी खुद सजा रही है। मालती देवी अनुपमा को सुंदर सा सजाएगी और उसके पांव में महावर लगाएगी। इसके बाद अनुपमा घुंघरू पहनेगी और इवेंट के लिए शुरू हो जाएगी। मालती देवी पहले स्टेज पर खुद परफॉर्म करेगी और उसके बाद में स्टेज संभालेगी अनुपमा। अनुपमा अनारकली बनकर डांस करेगी और उसका परफॉर्मेंस न केवल मालती देवी को बल्कि हर किसी का दिल जीत लेगा। अनुपमा ये परफॉर्मेंस मीडिया की मौजूदगी में दे रही है तो उसकी ये परफॉर्मेंस हर कोई लाइव देख सकता है। अनुपमा को डांस करते देख उसकी माँ और उसका भाई भावेश बहुत ही खुश होते हैं। अनुपमा की माँ कहती है कि कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इसके साथ ही शाह हाउस में किंजल बा के साथ बैठ के अनुपमा की परफॉर्मेंस देख रही है। बा किंजल से कहती है कि मैं चाहे इसको कुछ भी कहती रहूं, लेकिन अनुपमा को आज इस मुकाम पर देखकर मैं बहुत खुश हूं। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि अनुपमा अमेरिका जा रही है तो मुझे छोटी अनुपमा के रूप में किंजल मिली है। बा और किंजल का प्यार देखकर किचन में खड़ी हुई डिंपल को बहुत ही इरिटेशन होने लगती है। सीरियल के आगे की कहानी भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, जहां अनुपमा बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही है और अनुपमा के इस डांस को देखने अनुज भी आया है। अनुज अनुपमा को डांस करते देख बहुत ही खुश होता है और उसी दौरान मीडिया पर्सन में से कोई एक अनुज को देख लेता है। वो अनुज को कहता है कि कपाड़िया सर आप आगे आइए। अनुज आगे बढ़कर स्टेज के सामने से ही अनुपमा का डांस देखने लगता है। तभी मालती देवी की नजर अनुज पर पड़ती है और वो अनुज को घूरती है और मालती देवी को अनुज की उपस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं अनुपमा अनुज को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद माया भी अनुज को ढूंढते ढूंढते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती है। जैसे ही माया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है तो वो देखती है कि अनुपमा स्टेज पर डांस कर रही है और अनुज उसे बहुत ही खुशी से देख रहा है। स्टेज पर कुछ मिरर लगे हुए हैं जिसकी वजह से अनुपमा स्टेज पर और मिरर में अनुज की फोटोग्राफ दिखती है। अनुपमा और अनुज को यूं एक साथ देखकर माया का पारा बढ़ने लगता है। माया अपना आपा खो बैठती है और माया हाथ में सरिया लेकर सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगती है। माया स्टेज पर मौजूद उन सभी कांच को तोड़ने लग जाती है जिसमें अनुज और अनुपमा साथ साथ नजर आ रहे हैं। माया का रुद्र रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मीडिया भी माया की हरकतों को कवर करने लग जाती है। इसके बाद माया स्टेज पर आ जाती है और अनुपमा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। माया अनुपमा पे इल्जाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा अनुज मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और मुझे मेरा अनुज और छोटी अनु के साथ खुशी से रहने दो। अनुज माया पे बहुत गुस्सा करता है लेकिन माया है कि शांत ही नहीं हो रही। वहीं ये सब देख के मालती देवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अनुज से कहती है कि आप इस औरत को लेकर यहाँ से चले जाए। इसके बाद माया अनुपमा के पाँव में गिर जाती है और कहती है कि अनुपमा तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है और सब कुछ तुम्हें ही क्यों मिलता है। मेरी अपनी बेटी जिसको मैंने जन्म दिया है वो भी मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि वो माया से किस तरीके से ट्रीट करे। वो चुप रहती है और उसके बाद अनुज माया को हाथ पकड़कर लेके चला जाता है, लेकिन माया कंटिन्यू यही कहती रहती है कि अनुपमा तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, मुझे अनुज और छोटी अनु को बस छोड़ दो। लेकिन इस पूरे तमाशा में सबसे ज्यादा मजा आता है नकुल को। नकुल काफी खुश है कि ये सब ड्रामा हो रहा है ताकि मालती देवी की नजरों से अनुपमा की छवि नीचे गिर जाए। इसके बाद नकुल मीडिया से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, आप सभी जा सकते हैं। अनुपमा स्टेज से हाथ जोड़ते हुए मालती देवी के पास आती है और कहती है कि गुरु माँ मुझे माफ कर दीजिए, अगर कोई और होता तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती, लेकिन एक मानसिक रोगी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये मुझे नहीं आता। मुझे लगा कि एक मानसिक रोगी के सामने शांत रहना ही सबसे अच्छा होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
गुरु माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे घर परिवार और इन सब ड्रामे से कुछ नहीं लेना देना है, मुझे मेरा नृत्य, मेरा गुरुकुल और तुमसे मतलब है। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है और अब तुम्हारा निर्णय बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। मैंने अपना उत्तराधिकारी तुम्हें बनाया है और अब ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए अब 6 दिन के बाद तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो।